It's all right. Hush. So, hello guys, मैं हूं अनिमेश, वेलकम टू माय YouTube चैनल एपी मोटो ब्लॉग्स। सो गाइस, आप लोग कैसे हो? होप करते हो सब लोग बढ़िया हो एंड बढ़िया ही रहे ना, मेरा तरह। सो गाइस, फाइनली देख पा रहे हो मेरे सामने आज खड़ी हुई है न्यू बजाज पल्सर N250, जिसपे कंपनी ने 5 से 6 नया बदलाव आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया है इंडियन मार्केट पे। वो क्या क्या चीज है, हर एक चीज आप लोग डिटेल से बताऊंगा। कप स्पीड, माइलेज एंड 2024 वाला बजाज पल्सर N250 पे क्या क्या फीचर्स आप लोगों को मिलेगा। अगर आप इस बाइक को फिनांस पे लेना चाहते हो, कितना लोएस्ट डाउन पेमेंट पे गाइस आप लोग इस बाइक को बाई कर सकते हो, पर मंथ कितने ईएमआई भरना पड़ेगा, हर एक चीज आप लोग डिटेल से बताऊंगा इस वाले वीडियो पर। एंड गाइस, मैं इस वीडियो को शूट कर रहा हूं बजाज विषय का शोरूम। अगर आप लोग बजाज का कोई मशीन बाई करना चाहते हो, डेफिनेटली गाइस इस शोरूम पे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। इस शोरूम का एड्रेस एंड कॉन्टेक्ट नंबर आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा। सो गाइस, अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हो, चलो गाइस अभी जाके सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मैं इस तरह इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप लोगों के लिए अपलोड करता रहता हूं। अगर वीडियो अच्छा लगे जरूर एक लाइक कर देना। सो पहले आप लोग सिनेमैटिक शॉट एंजॉय कर लो, देन मैं इस बाइक पे क्या सारा बदलाव है वो डिटेल्स आप लोगों से शेयर करता हूं। सो गाइस, न्यू जो बजाज पल्सर N250 है, इस पे कंपनी ने 5 से 6 नया बदलाव आप लोग प्रोवाइड कर रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे देख पा रहे हो अभी आप लोगों को एक नया कलर थीम देखने को मिलता है। 2024 वाला मॉडल पे आप लोगों को 3 कलर ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। एक है व्हाइट, देन दूसरा और एक ब्लैक, एंड तीसरा और एक कलर आप लोग मिलता है जो है रेड। सो गाइस, अभी शोरूम पे व्हाइट कलर अवेलेबल है एंड दूसरा रेड कलर अवेलेबल है। सो रेड कलर जो कलर कॉम्बिनेशन है ना, बहुत ज्यादा डिफरेंट एंड आई कैची देखने को मिलता है। जैसे देख पा रहे हो अभी इधर पे सिल्वर कलर का मतलब ग्रे ग्लिटरी फिनिश का स्टिकरिंग मिलता है रेड कॉम्बिनेशन के साथ, 250 लिखा हुआ है एंड व्हाइट कलर कॉम्बिनेशन देखने को मिल जाएगा। मतलब बहुत ही ज़्यादा स्पोर्टी डिज़ाइन एंड स्पोर्टी ग्राफिक्स आप लोगों को मिलता है। रियर के साइड पे N250 का बैजिंग व्हाइट कलर से लिखा हुआ है 250, एंड N जो है ना वो ग्रे कलर के साथ है। एंड नीचे के साइड पे गाइस काउल के ऊपर व्हाइट एंड डीप रेड कलर का ग्राफिक्स देखने को मिलता है। सो नीचे के साइड पे जो बेली पैन है उस पर भी गाइस व्हाइट कलर का ग्राफिक्स एंड रेड एंड ब्लैक कलर कॉम्बिनेशन के साथ नया कलर थीम देखने को मिलता है। एंड फ्रंट के साइड पे जो गोल्डन का टच का USD फॉक है ना, जिसके वजह से लुक जो है और भी ज़्यादा इनहेंस हो रहा है। फ्रंट जो लुक है उसके ऊपर रेड ब्लैक एंड सिल्वर कलर का ग्राफिक्स मिलता है एंड व्हाइट कलर भी कॉम्बिनेशन मिल जाएगा। सो ओवरऑल कुछ ऐसा आप लोगों को लुक मिलता है न्यू बजाज पल्सर N250 रेड कलर कॉम्बिनेशन। सो अगर व्हाइट कलर की बात करूँ, व्हाइट कलर पे जैसे देख पा रहे हो टैंक जो है फुल्ली गाइस व्हाइट कलर कॉम्बिनेशन साथ देखने को मिलता है। पल्सर का जो 3D एम्बलेम है वो ब्लैक ग्लॉसी कलर के साथ है एंड साइड प्रोफाइल पे गाइस 250 लिखा हुआ है। ग्रे ग्लिटरी फिनिश के साथ स्टिकरिंग है एंड ब्लू कलर कॉम्बिनेशन भी देखने को मिलता है, जिसकी वजह से लुक जो है ना और भी ज़्यादा इनहेंस हो रहा है व्हाइट ब्लू एंड ग्रे ग्लॉसी कलर। सो व्हाइट कलर थीम के नीचे पे और एक वाइजर देखने को मिलता है, जिसकी वजह से स्पोर्टी एंड एग्रेसिव डिज़ाइन एंड एग्रेसिव लुक ज़्यादा लगता है। सो उसमें आप लोगों को ग्रे कलर का ग्लॉसी कलर देखने को मिलता है, उसके ऊपर ब्लू कलर का ग्राफिक्स एंड ये जो कलर थीम मैंने पूरा आया है गाइस साइड पैनल के ऊपर, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो, इसके वजह से डिज़ाइन एंड लुक्स और भी ज़्यादा इन्हेंस हो रहा है। फुल्ली मैट कलर के साथ साइड प्रोफाइल है एंड इधर पर स्टिकरिंग मिल जाता है। एंड अगर सीट के बगल में काउल की बात करूँ, उसके ऊपर गाइस N250 का बैजिंग देखने को मिलता है। N जो है वो रेड कलर के साथ लिखा हुआ है एंड 250 ग्रे कलर। सो नीचे के साइड पे भी आप लोगों को ग्राफिक्स देखने को मिलता है ब्लू एंड ग्रे कलर के साथ। सो ओवरऑल अगर आप लुक चेक करते हो, सो ऐसा कुछ आप लोग लुक प्रोवाइड करता है जो बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव एंड इनहेंस कर रहा है लुक्स को एंड अच्छा खासा आप लोग हेड टर्नर देखने को मिल जाएगा, क्योंकि इंडियन मार्केट पे जो कलर थीम है एकदम ब्रांड न्यू है। सो जो इंजन काउल है ना वो भी गाइस आप लोगों को व्हाइट एंड ब्लैक कलर कॉम्बिनेशन के साथ मिलता है नीचे के साइड पर ग्राफिक्स। सो चलो ये बात करते हैं इस बाइक का फ्रंट लुक के बारे में। सो फ्रंट के साइड पे ब्लैक ग्लॉसी व्हाइट एंड ब्लू कलर कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। ऊपर से अगर देखते हो तो ऐसा कुछ आप लोग लुक मिलेगा। और आप लोग साइड प्रोफाइल से चेक करोगे फिर इधर पे नीचे के साइड पे ग्रे ग्लॉसी एंड ऊपर के साइड पे व्हाइट कलर कॉम्बिनेशन मिलता है, जिसकी वजह से लुक्स और भी ज़्यादा इन्हेंस हो रहा है। सिक्योरिटी नंबर प्लेट गाइस इधर पे फिट होगा अगर इग्निशन को ऑन करते हो। सो पहले से आप लोगों को पता है फ्रंट के साइड पे LED DL प्रोवाइड करता है विथ LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प। ऐसा कुछ ओवरऑल आप लोग लुक मिलेगा। एंड इस बाइक का जो हेडलाइट है उसको गाइस आप लोग ऑन ऑफ वगैरह कर सकते हो।
इंडिकेटर जो है वो भी कई सब लोग एलईडी प्रोवाइड करता है। फ्रंट जो मडगार्ड है उसका डिजाइन एंड शेप थोड़ा बहुत चेंज हो चुका है, मतलब इसका जो लेंथ है ना वो पहले वाला मॉडल से साइज पर थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है, लेकिन ग्राफिक्स वगैरह देखने को नहीं मिलेगा। मैट ब्लैक कॉम्बिनेशन के साथ व्हाइट ग्लॉसी डुअल टोन पार्ट के साथ है एंड मडगार्ड जो है वो फुल्ली फाइबर के साथ है। तो सबसे बड़ा जो अपडेट आप लोग जैसे देख पा रहे हो फ्रंट के साइड पर भी आप लोगों को मिलता है 37mm डायमीटर के साथ यूएसडी फॉक, मतलब अपसाइड डाउन सस्पेंशन, उसके ऊपर एक रिफ्लेक्टर है, मतलब दोनों तरफ ही मिल जाता है। ये एक बढ़िया चीज़ है, मतलब नाइट के टाइम पे विजिबिलिटी को थोड़ी इंक्रीज करता है एंड सेफ्टी फीचर्स के साथ लोगों को मिलेगा। नेक्स्ट अगर अपडेट की बात करूँ अभी ना आप लोगों को इस वाले मॉडल पर देखने को मिलता है TCS, मतलब ट्रैक्शन कंट्रोल। इसको गाइस आप लोग चाहते हो तो ऑन ऑफ भी कर सकते हो एंड इसके बाद आप लोग इधर पे नोट कर पा रहे हो ऑफ रोड लिखा हुआ है। सो इस वाले मॉडल पे ना अभी ब्रेकिंग पे आप लोगों को 3 मोड देखने को मिल जाता है, रोड, रेन एंड ऑफ रोड। सो इधर पे नोट करो आप लोग, जैसे देख पा रहे हो गाइस MTC मतलब ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन है। इसको अगर आप लोग ऑफ करना चाहते हो ना, ये जो बटन है इसको गाइस लॉन्ग प्रेस करके रखना पड़ेगा, जैसे देख पा रहे हो कीप प्रेस। सो जब रिलीज करना बोले रिलीज कर दो। सो देख पा रहे हो इधर पे MTS ऑफ हो चुका है। इस तरह से गाइस आप लोग इस ट्रैक्शन कंट्रोल को ऑन ऑफ कर पाओगे। देन एंड नेक्स्ट गाइस इस वाले मॉडल पे आप लोगों को मिलता है ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, जिसके लिए इधर पे कोड वगैरह देख पा रहे हो, मतलब आप लोग कॉल अलर्ट, मैसेज अलर्ट, फोन में कितना बैटरी है, नेटवर्क है वो इधर पे शो करेगा। एंड और एक चीज़ सब नोट कर पा रहे हो अभी ना, इधर पे आप लोगों को मिलता है टर्न बाय टाइम नेविगेशन, जो बहुत ज़्यादा बढ़िया चीज़ है। अभी न्यू बजाज पल्सर N250 पे आप लोग प्रोवाइड करता है टर्न बाय टाइम नेविगेशन। अगर वार्निंग है वो भी इधर पे शो करेगा, जैसे देख पा रहे हो रिफ्यूलिंग का वार्निंग आ रहा है। देन मिलता है DTE मतलब डिस्टेंस टू MT। देन गाइस देख पा रहे हो इधर पे आ चुका है रोड मोड, देन आप लोगों को मिलता है रेन मोड एंड देन आप लोग को मिलता है इधर पे ऑफ रोडिंग मोड। एंड ऑफ रोडिंग मोड पे ना आप लोग इस बाइक का जो रेयर ABS है उसको ऑफ कर सकते हो। उस टाइम पे गाइस सिर्फ फ्रंट ABS ही ऑन रहेगा एंड ऑफ रोडिंग मोड पे आप लोग रेयर ABS को ऑफ कर सकते हो। अगर आप लोग थोड़ा सा ज़्यादा एक्सट्रीम ऑफ रोडिंग करते हो ना, उस टाइम पे रेयर ABS को थोड़ा ज़रूरत नहीं होता है, सिर्फ फ्रंट ABS ही आप लोग को मिलेगा। एंड रेन मोड पे सबसे ज़्यादा एक्टिव रहता है ABS। और इंस्ट्रूमेंट कंसोल की बात करूँ इधर पे गियर पोजीशन इंडिकेटर, फ्यूल गेज, RPM, क्लॉक, सर्विस रिमाइंडर, कितना किलोमीटर के बाद गए सर्विस करना पड़ेगा, हर एक चीज़ आप लोगों को इस नया इंस्ट्रूमेंट कंसोल पर प्रोवाइड कर देता है। सो वार्निंग्स की बात करूँ, लेफ्ट साइड पे न्यूट्रल, देन अपर डिपर इंडिकेटर का वार्निंग, एंड राइट साइड पे ABS, इंजन मल फंक्शन एंड TCE मतलब ट्रैक्शन कंट्रोल का लोगो मिलता है। सो इस पर अभी भी कैसे आप लोग क्लिप ऑन हैंडल बार देखने को नहीं मिलता है, सिंगल रॉड के ऊपर ब्लैक कलर का हैंडल बार देखने को मिल जाएगा। लेफ्ट साइड पे जो बटन है ऊपर के साइड पे अपर डिपर एंड पासिंग एक बटन में देखने को मिलता है। देन M बटन जिससे कैसे आप लोग इंस्ट्रूमेंट कंसोल को टॉगल कर पाओगे। मिडिल पे इंडिकेटर एंड नीचे के साइड पे मिलता है हॉर्न, ऐसा कुछ हॉर्न है। सो राइट साइड पे इंजन किल स्विच मिलता है एंड ये जो मॉडल है ना गाइस बैकलाइट स्विच के साथ है, जैसे आप देख पा रहे हो। एंड ये जो स्विच है इससे कैसे आप लोग हेडलाइट को ऑन ऑफ कर पाओगे। एंड नीचे के साइड पे मिलता है सेल्फ, एंड इधर पे जब हेडलाइट ऑन रहेगा ना ये लोगो आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। सो गाइस नेक्स्ट देख पा रहे हो ऊपर से अगर टैंक को नोट करते हो तो टैंक पैड वगैरह देखने को नहीं मिलेगा। जो फ्यूल कैप है ना वो फुली ब्लैक कलर थीम के साथ है एंड इधर पे E20 का ब्रांडिंग देखने को मिल जाता है, मतलब 80% पेट्रोल एंड 20% इथेनॉल मिक्स वाला फ्यूल के साथ भी गाइस आप लोग इस बाइक को जो है राइड कर पाओगे। सो अभी अगर स्पेसिफिकेशन की बात करूँ, फ्रंट के साइड पे 300mm का लार्ज पेडल डिस्क मिलता है, ग्रामिया का ब्रेक कैलिपर है, डुअल पिस्टन के साथ ब्रेक कैलिपर देखने को मिलेगा। सो इस बाइक का कैसे ब्रेकिंग है राइड रिव्यू वाला वीडियो में गाइस आप लोगों को अच्छी तरीके से टेस्ट करके फिर बता सकता हूँ। सो इधर पे ABS देख पा रहे हो, डुअल चैनल ABS का ब्रांडिंग वगैरह देखने को मिल जाएगा। जो एलॉय है फुल्ली मैट ब्लैक, उसके ऊपर गाइस आप लोगों को ब्लू कलर का ग्राफिक्स देखने को मिलता है। सो आप लोगों को लेफ्ट साइड से गाइस एक बार एलॉय व्हील को चेकआउट करवा देता हूँ। सो फुल्ली मैट है एंड ऐसा कुछ डिजाइन के साथ देखने को मिलेगा। फ्रंट के साइड पे 110/70 सेक्शन की ट्यूबलेस टायर एंड 17 इंच का एलॉय व्हील है। एंड जो टायर सेक्शन है ना गाइस बहुत ही ज़्यादा फैट टायर प्रोफाइल मिलता है आप लोगों को एंड ऐसा कुछ फ्रंट का ओवरऑल आप लोगों को लुक देखने को मिलेगा। सो अगर माइलेज की बात करूँ एक्सपेक्ट कर सकते हो 30 से लेकर 35 तक आराम से गाइस ये बाइक माइलेज दे देगा। एंड अगर रियर एलॉय की बात करूँ तो रियर पे भी गाइस आप लोगों को सेम टू सेम ग्राफिक्स के साथ 17 इंच का एलॉय व्हील देखने को मिलता है, 140/70 सेक्शन की ट्यूबलेस टायर। सो टायर प्रोफाइल गाइस कुछ आप लोगों को ऐसा मिलता है, लेकिन ये जो टायर है रेडियल टायर नहीं है, नॉर्मल से टायर देखने को मिलता है। एंड नाइलो ग्रिप जेपर टायर प्रोवाइड किया है MRF का। रियर के साइड पर भी गाइस आप लोग ABS देखने को मिल जाएगा, 230mm का पैडल डिस्क है, कंपनी फीड इधर पे आप लोगों को टायर हगर प्रोवाइड करता है। देन अंदर के साइड पे छोटा सा और एक मडगार्ड है जो सस्पेंशन को प्रोटेक्ट करेगा धूल मिट्टी कचरे से। रियर के साइड पे मोनोशॉक सस्पेंशन प्रोवाइड करता है, मल्टीपल एडजस्ट गाइस आपके हिसाब से आप लोग कर पाओगे। सो अभी गाइस इग्निशन ऑन करते हैं, रियर लुक को आप लोगों को दिखाता हूँ। सो रियर जो लुक है ना
फुल्ली का स्प्लिट एलईडी टेल लैम्प आप लोग प्रोवाइड करता है विद एलईडी इंडिकेटर के साथ, एंड सीवरी नंबर प्लेट गाइस इधर पे आप लोग फिट कर सकते हो, देन छोटा सा रिफ्लेक्टर, एंड जो नंबर प्लेट लाइट है ना वो भी गाइस हैलोजन है। टेल टैडी की तरह आप लोगों को इधर पे थोड़ा सा डिजाइन कंपनी फेयर प्रोवाइड करता है, जब आप लोग रियर मडगार्ड हटा दोगे सो उस टाइम पे पूरा ये टेल टैडी का आप लोगों को फील दे देगा। सो अगर लेफ्ट साइड की बात करूँ, लेफ्ट साइड पे गाइस ओपन चेन सेटअप है, सो 500 किलोमीटर के बाद चेन को क्लीन एंड लुक करने की जरूरत पड़ेगा। साड़ी गार्ड प्रोवाइड करता है छोटा सा, लेकिन लेडीज फुट रेस्ट वगैरह नहीं है, एंड जो पिलियन राइडर फुट रेस्ट है उसके ऊपर रबर कोटिंग देखने को नहीं मिलता है, फुल्ली मैट ब्लैक, एंड जो राइडर फुट रेस्ट है वो गाइस फोल्डेबल है, उसके ऊपर रबर कोटिंग आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। सो चलो गाइस सही बात करते हैं इस बाइक का मेन पार्ट मतलब हार्ट के बारे में, इंजन पे गाइस क्या सारा पावर फिगर सब लोग प्रोवाइड करता है एंड क्या सारा बदला आप लोगों को मिलेगा। सो इंजन जो है गाइस BS6 कॉम्प्लाइंट OBD2 एंड फेज 2 अपडेट के साथ एयर एंड ऑयल कूल। सो फ्रंट के साइड पे इधर पे देख पा रहे हो छोटा सा एक ऑयल कूलर देखने को मिलता है, बेंड पाइप वगैरह इधर से आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, देन O2 का सेंसर इधर पे ही कैथलेटिक कन्वर्टर अंदर के साइड पे मिल जाता है जिसके ऊपर प्रोटेक्शन मिलता है। सो अगर इंजन की बात करूँ, इंजन का कलर थीम भी चेंज हो चुका है गाइस, ग्रे एंड ब्लैक कलर कॉम्बिनेशन के साथ ही DTSI का लोगो वगैरह देखने को नहीं मिलेगा। 2 वाल्व के साथ इंजन है विथ फ्यूल इंजेक्टेड, एंड इस वाले मॉडल पे ना स्लीपर क्लच एसेस देखने को मिलता है। सो इससे क्या फायदा है गाइस, मैं राइड रिव्यू वाला वीडियो आप लोग अच्छी तरीके से बता पाऊंगा। सो 249 cc एंड पावर प्रोड्यूस करता है, 24.1 BHP एट द 8750 RPM एंड टॉर्क प्रोड्यूस करता है 21.5 Nm एट द रेट 6500 RPM। 5 गियर ट्रांसमिशन आप लोगों को इस वाले मॉडल पर देखने को मिल जाएगा, एंड कंपनी क्लेम कर रहा है इस बाइक का अप्रॉक्स टॉप स्पीड 132 तक देखने को मिलेगा, एंड ओवरऑल इस बाइक का कार्बोरेट है 162 kg, एंड ग्राउंड क्लियरेंस की बात करूँ 165 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है। सो नेक्स्ट बात करते हैं इस बाइक का सीट के बारे में, पहले गाइस सीट हाइट आप लोगों को बता दे रहा हूँ, 795 mm का सीट हाइट है, स्प्लिट सीट देखने को मिलता है। सो राइडर से पिलियन सीट ना गाइस थोड़ा सा हाइट पर है, जैसे कि देख पा रहे हो कुशनिंग वगैरह बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, इधर पल्सर का ब्रांडिंग मिल जाएगा, जो पिलियन सीट है उसका भी लेंथ गाइस बहुत ज़्यादा बढ़िया है, कुशनिंग भी अच्छा खासा है। स्प्लिट ग्रैबरेल मिलता है, ग्रैबरेल जो है फुल्ली मैट ब्लैक, जिसकी वजह से इधर से लुक्स बहुत ज़्यादा इनहेंस हो रहा है, एंड स्पोर्टी डिज़ाइन एंड स्पोर्टी लुक आप लोगों को मिलेगा इस वाले मॉडल पर। सो नया इंस्ट्रूमेंट कंसोल आप लोगों को कैसा लगा, ये स्विच असेंबली कैसा लगा, या ए कलर थीम कैसा लगा, जरूर गाइस कमेंट करके बताना। सो न्यू इंजन है, मुझे भी पता है आप लोग बहुत देर से बेकरार हो इस बाइक का एग्जॉस्ट नोट सुनने के लिए, क्योंकि इस वाले मॉडल पर डुअल बैरल एग्जॉस्ट प्रोवाइड करता है, एंड ये जो कलर थीम है वाइट एंड रेड कलर कॉम्बिनेशन पर ही आप लोगों को ये जो एग्जॉस्ट है वो सिल्वर कलर टच के साथ मिलता है, एंड तीसरा और एक जो कलर ऑप्शन मिलता है ना मैट ब्लैक, उस पर आप लोगों को जो एग्जॉस्ट है वो फुल्ली मैट ब्लैक के साथ ही देखने को मिलेगा। सो इग्निशन करते हैं इधर पे ऑन एंड गाइस आप लोगों को एग्जॉस्ट नोट चेकआउट करवाता हूँ। सो ये जो है गाइस आइडल साउंड है, चलो रेफ करके देखते हैं। सो पहले वाला मॉडल से इस वाले मॉडल पे ना गाइस स्मूथनेस एंड रिफाइनमेंट साउंड थोड़ा ज़्यादा लगा, एंड बेस गाइस आप लोगों को अच्छा खासा प्रोवाइड कर देता है, मतलब थम गाइस आप लोगों को बढ़िया मिल जाएगा, एंड आप लोगों को इस बाइक का नया एग्जॉस्ट नोट कैसे लगा जरूर गाइस कमेंट करके बताना। एंड इस मॉडल पे ना आप लोगों को डुअल स्टैंड भी प्रोवाइड करता है, एंड साइड स्टैंड भी मिलता है जो साइड स्टैंड इंजन कटऑफ सेंसर के साथ है, ये चीज़ एक बढ़िया है, अगर किसी भी टाइम पे चेन क्लीन करना चाहते हो ना उस टाइम पे गाइस डुअल स्टैंड राइडर को बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, एंड अगर टायर पंचर हो जाए उस टाइम भी गाइस डुअल स्टैंड बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। एंड इस वाले मॉडल पे साइड स्टैंड पे गए साइड स्टैंड इंजन कटऑफ सेंसर भी देखने को मिल जाएगा, मतलब अगर गियर पे रहेगा बाइक तो साइड स्टैंड गिरा देते हो ऑटोमेटिक इंजन को किल कर देगा, साइड स्टैंड गिरा के आप लोग इस बाइक को राइड नहीं कर पाओगे। एंड गाइस 14 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी देखने को मिलता है, माइलेज में पहले आपको बता दिया 30 से लेकर 35 तक अप्रॉक्स आप लोगों को मिल जाएगा। तो गाइस चलो ये बात करते हैं इस बाइक का मेन पार्ट मतलब प्राइसिंग के बारे में, अगर आप लोग इस बाइक को इन कोलकाता बाय करना चाहते हो सो ऑन प्राइस है 1,87,250 rupees, एंड अगर आप लोग लोएस्ट डाउन पेमेंट लेना चाहते हो सो मैं गाइस एलडी फाइनेंस स्कीम बता दे रहा हूँ, सो लोएस्ट डाउन पेमेंट आ जाएगा 35,000 अप्रॉक्स, एंड अगर आप लोग 3 ईयर के लिए लोन करना चाहते हो सो पर मंथ ईएमआई भरना पड़ेगा 5,500 rupees, एंड अगर आप लोग 4 ईयर के लिए लोन करना चाहते हो सो पर मंथ ईएमआई भरना पड़ेगा 4,300 rupees। सो एवरीवन यही था आज का वीडियो, अगर वीडियो अच्छा लगे जरूर एक लाइक कर देना, अगर आप लोग और भी कुछ क्वेरी है जरूर गाइस कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, एंड अगर वीडियो अच्छा लगे जरूर एक लाइक कर देना। सो चलो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट किसी इसी तरह इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ।